तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक एचपी के थिन एंड लाइटवेट लैपटॉप की, और ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर आई 13 जनरेशन के साथ, और इसका मॉडल नंबर है एचपी 15-FD0187TU। और अगर आप इसका ऑनलाइन प्राइस चेक करोगे तो आपको 50-53,000 के आसपास मिल जाएगा, जो कि आई 13 जनरेशन के लिए डिसेंट प्राइस है। तो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, और वीडियो के एंड में बात करेंगे कि इस लैपटॉप को बाई करना वर्थ है या नहीं। तो आप जैसे ही इसका बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ पर सबसे पहली चीज मिल जाएगी आपको एक पावर एडप्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 65 वॉट का पावर एडप्टर मिल जाता है, जो कि राउंड टिप के साथ आता है, और इसके साथ में मिल जाता है आपको एक पावर कॉर्ड, और इसके साथ में मिल जाते हैं आपको थोड़े एचपी के डॉक्यूमेंटेशन, और कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको लैपटॉप देखने के लिए मिल जाता है। तो मैंने कर लिया इस लैपटॉप को कवर से रिमूव। अब चेक करते हैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन। तो आप जैसा देख सकते हो, इस लैपटॉप का ये पैनल पूरा आपको नेचुरल सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाता है, और इसके सेंटर में आपको एक सिल्वर कलर का एचपी का ब्रांडिंग देखने मिलता है। और अगर आप इसके बैक साइड पर देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा सा एयरवेंट देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ में यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स की ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, और इसके साथ में आपको दो रबड़ के लेग्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफी बड़े हैं। और जैसे ही मैंने इसकी लीड ओपन किया, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक फुल साइज का कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। ये कीबोर्ड के अंदर आपको न्यूमेरिक पैड का भी सपोर्ट मिलता है, और इसका आप टच पैड देख सकते हो, टच पैड इसका काफी बड़ा है, फुल साइज का टच पैड इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके साथ में यहाँ पर आपको इंटेल कोर आई की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और इसके साथ में यहाँ पर आपको एक एचपी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी आप इसका डिस्प्ले देख सकते हो, काफी थिन डिस्प्ले इसका, और डिस्प्ले पे यहाँ नीचे के साइड में इसकी एक ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको एक वेबकैम देखने के लिए मिल जाता है, और उसके साथ में उसके दो माइक्स भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इसका इंप्रेशन तो काफी अच्छा है, और साथ में ये लैपटॉप काफी लाइटवेट भी है। इसका वेट है सिर्फ 1.59 kg। और बाकी अगर बात करें इसके फ्लेक्स की, तो अगर मैं इसके अपर बॉडी पे प्रेस करूँ तो थोड़ा बहुत इसका बॉडी प्रेस हो जा रहा है, और अगर मैं इसके कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ तो थोड़ा बहुत फ्लेक्स वहां पे भी देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल इसके इंप्रेशन तो काफी अच्छे हैं। बाकी इसके अंदर आपको अपर बॉडी और कीबोर्ड वाला पार्ट थोड़ा फ्लेक्स होगा, आप कोई भी लैपटॉप ले लोगे फ्लेक्स तो थोड़ा बहुत रहता ही है, बाकी आप अगर गेमिंग कैटेगरी का भी लैपटॉप ले लोगे उसमें भी कोई कोई में फ्लेक्स रहता है। और अब एक नज़र इसकी परफॉर्मेंस में मार लेते हैं। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल कोर आई 13 जनरेशन का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.3 GHz, और इसका मैक्स बूस्ट है 4.6 GHz, और इसके साथ में इसके अंदर आपको 8 GB का DDR4 रैम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि वर्क करता है 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी पर। और इसके अंदर आपको 512 GB का PCI NVMe SSD मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस तो वैसे ही आपकी काफी अच्छी हो जाती है। और इसके अंदर GPU में आपको इंटेल अल्ट्रा HD का ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कुछ वेरिएंट ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर आपको Iris Xe का GPU मिलता है, पर इस वाले के अंदर आपको इंटेल USD का ही GPU मिलता है। और कनेक्टिविटी के मामले में इसके अंदर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाता है, और ब्लूटूथ के अंदर आपको 5.3 का सपोर्ट मिलता है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़े बहुत बेंचमार्क के सॉफ्टवेयर रन कर लेता हूँ, और उसका जो भी आउटपुट आएगा मैं वीडियो में प्ले कर दूंगा। आपको अगर रीड करना है पॉज करके रीड कर सकते हो, उससे थोड़ा आपको इसके हार्डवेयर के बारे में आइडिया आ जाएगा। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 1920x1080p का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि आता है 250 निट्स के ब्राइटनेस के साथ, और इसके अंदर मिल जाता है आपको 45% का NTSC, और इसके साथ में इसका डिस्प्ले आपको माइक्रो एज वाला देखने मिलता है। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले के आउटपुट क्वालिटी की, तो अभी तक इसके अंदर जितना भी मैंने वीडियोस देखा है, मेरे को इसका डिस्प्ले काफी सही लगा है, लेकिन इसका जो ब्राइटनेस है 250 निट्स, वो थोड़ा कम पड़ जाता है। अगर इसके अंदर ये लोग 100 निट्स के आसपास इसका ब्राइटनेस रेट बढ़ा देते तो इसका डिस्प्ले काफी सही हो जाता। और ये रहा इसका वेबकैम टेस्ट। अभी ये वाली वीडियो मैं इस लैपटॉप के वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इसकी वीडियो और इसकी ऑडियो की क्वालिटी के हिसाब से जज कर सकते हो कि इसके अंदर आपको वेबकैम और माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा मिलेगा। और अब कर लेते हैं इसका ऑडियो टेस्ट, और देखते हैं इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी कैसी है। तो यार इसका साउंड क्वालिटी तो मेरे को काफी सही लगा। इसका साउंड के अंदर लाउडनेस के साथ साथ क्लियरिटी भी काफी अच्छी है। इसके अंदर मैंने आपको ये सॉन्ग प्ले करके दिखाया, कॉपीराइट की वजह से मैं आपको कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके अंदर 2-3 सॉन्ग प्ले करके देखे। इसके अंदर लाउडनेस भी काफी अच्छे लेवल की है, और उसके साथ में क्लियरिटी भी अच्छी है। तो अब एक नज़र इस लैपटॉप के पोर्ट्स पे मार लेते हैं, और देखते हैं इसके अंदर हमको पोर्ट्स कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके पोर्ट्स में सबसे पहले मिल जाता है हमको USB 3.1 जनरेशन का टाइप ए का पोर्ट,
उसके बगल में मिल जाता है फुल साइज का HDMI का पोर्ट, उसके बगल में मिल जाता है 3.1 जनरेशन का USB टाइप सी का पोर्ट, और सबसे लास्ट में मिल जाता है 3.5mm का ऑडियो जैक। और ये रहे इसके सेकेंडरी साइड के पोर्ट्स। यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट, उसके बगल में मिल जाता है USB 3.1 जनरेशन का टाइप ए का पोर्ट, और ये सारे USB पोर्ट 5 Gbps के सिग्नलिंग रेट पे वर्क करते हैं। और अब एक नजर इसके कीबोर्ड और इसके टचपैड पे मार लेते हैं, तो इसके अंदर आपको ग्रे कलर का फुल साइज का बैकलिट कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज काफी सही है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, अगर आप नाइट ये सब में कुछ टाइप करोगे तो काफी हेल्प हो जाती है जो कीज में लाइट जलती है उसके वजह से। बाकी अगर बात करें इसके क्लिक्स की, तो इसके क्लिक्स ये सब काफी सही है, और अभी तक जितना भी मैंने इसके कीबोर्ड को यूज किया है जरा भी लैगिंग ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं की है। और कीबोर्ड के नीचे एक काफी बड़े साइज का टचपैड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि HP इमेज पैड वाला टचपैड है, और ये टचपैड सच में काफी बड़ा है। और ये जो टचपैड है ये मल्टी टच और काफी सारे जेस्टर्स भी सपोर्ट करता है, और अभी तक जितना भी मैंने इसको यूज किया काफी स्मूथली वर्क कर रहा है, काफी फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ओवरऑल इसके कीबोर्ड और इसके टचपैड से मैं काफी इंप्रेस हूँ। इसके अंदर आपको 3-cell 41 watt-hours का लिथियम आयन वाला बैटरी मिल जाता है, जिसका एवरेज बैटरी बैकअप टाइम है 6 hours। अगर आप इसके अंदर ब्राइटनेस मीडियम करके कुछ वर्क कर रहे हो या मूवीज ये सब देख रहे हो तो इसका बैटरी आराम से 6 hours के आसपास चला जाएगा। और अगर आप इसके अंदर इसका ब्राइटनेस फुल कर दोगे, लाउड म्यूजिक सुन रहे हो और थोड़ा बहुत बेसिक वर्क कर रहे हो या मूवीज देख रहे हो तो इसका बैटरी आपको 4 hours के आसपास का बैकअप देगा। और बाकी अगर आप इसके अंदर कुछ हैवी गेम्स ये सब प्ले करते हो तो इसका बैटरी 1 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर बात करें इसके प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसके अंदर आपको विंडोज 11 होम का प्री इंस्टॉल एडिशन देखने मिलता है, उसके साथ में आपको एमएस ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट वाला मिल जाता है जो कि लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन है, और इसके साथ में एंटीवायरस में आपको मैक कैफे का 30 डेज का ट्रायल मिल जाता है। तो अगर आप ये लैपटॉप बाय करोगे तो साथ में एक एंटीवायरस जरूर बाय करना। और अब फाइनली बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि इस लैपटॉप को बाय करना वर्थ है या नहीं। तो ये जो लैपटॉप है i5 13 जनरेशन का लैपटॉप है, SSD इसके अंदर आपको 500 GB मिलती है, RAM 8 GB मिल जाती है, और इंटेल USD का GPU मिलता है, और इसके साथ में इसके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। जो इसका टचपैड है वो भी काफी सही है, काफी बड़े साइज का टचपैड यूज किया है इन्होंने, साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है, डिस्प्ले क्वालिटी भी डिसेंट है, पर इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा मेरे को कम लगा। अगर आप डे लाइट में यूज करोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ओवरऑल जो हिसाब से इसका प्राइस है वो हिसाब से इसका जो हार्डवेयर है वो पूरा जस्टिफाई करता है। और ओवरऑल अभी तक जितना भी मैंने इस लैपटॉप को यूज किया है मैं तो इससे काफी इंप्रेस हूँ। अगर आपको ये लैपटॉप बाय करना है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, और अगर आपको ये लैपटॉप बाय करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर लो। बाकी अगर आपको ऑफलाइन बाय करना है तो प्लीज मत करना, क्योंकि ऑफलाइन ये थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है, ऑनलाइन में अभी डील्स ये सब है तो आपको वहाँ काफी सस्ते में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और इसी की तरह और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए लैपटॉप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।